पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी औरंगाबाद पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचकर बिहार में ही उन्होंने बिहारियों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि आज छपरा के भाजपा सांसद और राजीव प्रताप रूडी की भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। चांदी के मुकुट और तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के लोगों का ही मजाक उड़ा डाला। उन्होंने कहा कि आज बिहार के लोग देश के हर कोने में जाकर मजदूरी करते हैं। जहां भी जाएंगे वहां बिहारी ही मिलेगा, चाहे होटल हो या बड़ी इमारत, सबके नीचे बिहारी ही मिलेंगे। इसे लेकर कई वीडियो भी उन्होंने जारी किया, जहां बिहारियों को मजदूरी करते हुए दिखाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के कितने लोग देश का उत्थान करने में योगदान देते हैं, लेकिन अन्य कोई भी राज्य के लोग बिहार में आकर क्या कभी खेती या फिर होटलों में काम करता देखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आखिर बिहार की इस दुर्दशा का गुनहगार कौन है, आज से पहले तो बीजेपी ही सरकार में थी, सत्ता में थी, इस पर राजीव प्रताप रूडी कतराते हुए नजर आए और उठे मीडिया से ही सवाल दागना शुरू कर दिया। सूरत के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं, पूना के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं। जरा ये बताइए, आप बिहारी हैं तो आपके खेत में काम करने वाला सूरत से कितना आदमी आता है, आपके खेत में काम करने वाला पंजाब से कितने लोग आता है, आपके खेत में काम करने वाला चेन्नई से कितना लोग आता है, आपके पानी का लाइन जब खराब होता है आपके घर में तो काम करने वाला कितना आदमी लुधियाना से आता है। सवाल तो कभी ना कभी पूछना होगा कि जो पूरा भारत चला रहा है वो बिहार नहीं चला पा रहा है, इसका सवाल तो आप लोगों को। विमान लेकर बतौर कैप्टन पूर्व केंद्रीय मंत्री से सांसद राजीव प्रताप रूडी बोधगया पहुंचे। उनके साथ इस विमान में कई पर्यटक, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी भी शामिल थे। रूडी ने अपने साथ आए विशेषज्ञों के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में लाकर पर्यटन बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तार से संबंधित चर्चा भी की गई। राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि विस्तार को लेकर पटना न्यायालय में विमर्श चल रहा है, इस दौरान एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। थोड़ा सब लोग आगे आ जाते, जितना सीट खाली है, तो अगर आप तो चाहते हैं कि हम ऊपर बैठे। दिल्ली से हम ही कप्तान थे इंडिगो की फ्लाइट में, और पटना न्यायालय में एक बड़ा विमर्श चल रहा है कि भाई गया का विस्तार क्यों नहीं। और सवाल बहुत ही पेचीदा था, किसी के समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने खुद ही आज अधिकारियों के साथ बैठक की। सरल रास्ता है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और गया को उस स्तर पर पहुंचाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और मूलतः गया एयरपोर्ट का निरीक्षण था, इसलिए हम वहाँ पर आए थे अधिकारियों के साथ बैठक। क्या चर्चा हुई एयरपोर्ट के विस्तार के लिए? क्या देखिए, एक गलती एयरपोर्ट अथॉरिटी से 2009 से ये प्रस्ताव था, जो गलती हुई है और उसको गलती सुधारने में आपस में काफ़ी तनाव है, तो उसका हम लोग रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि गया को वो स्थान मिल सके जो सबसे। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद कहाँ कहाँ से फ्लाइट आने की आशा? देखिए, घोषित करने से हवाई जहाज नहीं उतरने, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होती है और वो तकनीकी रूप से उसको हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। बोधगया और गया में नहीं हूँ, लेकिन बोधगया और गया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, और वो ख्याति क्यों नहीं मिला, यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं।